वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EDU अपडेट्स। दोस्तों, काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी कि प्लीज़ सर, नवेली वाड़िया कॉलेज ऑफ पुणे के बारे में भी आप बताइए, थोड़ा सा डिटेल बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस कॉलेज के बारे में पर्टिकुलरली ओवरव्यू करते हैं, रिव्यू करते हैं। इस कॉलेज के हर एक स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, हर एक पैरामीटर्स देखेंगे। सो कॉलेज का नाम, जैसे कि मैंने बताया था, कि नवेली वाड़िया कॉलेज है, और उसके बारे में देखेंगे, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखेंगे, उसके उसमें प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल है, देन उसका फी स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, देन उसका कट ऑफ क्या रहता है मेजरली, एंड देन प्लेसमेंट्स एंड वर्थ ज्वाइनिंग। सो दिस आर द फ्यू पैरामीटर्स ऑन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलते हैं मेरे डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे और बात करते हैं हम आज के इस वीडियो के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहते। और दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो हम लोगों ने एक रिव्यू वीडियो बनाया था, जो कि था साई बालाजी एजुकेशन सोसाइटी पे। अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा। आप तो चलता है डायरेक्टली हम लोग कॉलेज की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ से हम लोग आज का रिव्यू शुरू करते हैं। तो कॉलेज का पूरा नाम है नवेली वाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर। ये इसका लिस्ट निकालते हैं फॉर एवरेज कैंडिडेट्स, बिकॉज पुणे में जो भी कॉलेजेस है वो सारे एक्सेप्ट पुंबा, दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएटेड कॉलेज है, सावित्रीबाई फुले के अंदर में जो वेरी फर्स्ट रैंकिंग कॉलेज आता है विद इन पुणे सिटी, तो वो होता है पुंबा। उसके बाद में हमारा इंदिरा लीग आता है, उसके बाद में हमारा नवेली वाड़िया आता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड प्लस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉलेज विच इज देयर इन पुणे। दैन ऑल्सो दिस वन इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन पुणे। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1991 में, और ये जो लोकेट इसका जो लोकेशन है वो एकदम प्रीमियम लोकेशन पे ये सेटल डाउन है। 1991 से जो हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द पुणे कहते हैं, वो बंड गार्डन अपोजिट मंगलदास पुलिस स्टेशन, नियर कस्टम ऑफिस, अपोजिट रेसिडेंसी क्लब पुणे, ये उसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो चलते हैं हम लोग इसके कॉलेज की वेबसाइट पे और वहाँ से हमारा रिव्यू शुरू करते हैं। सो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से लुक एंड फील करता है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। मैं पर्सनली इस कॉलेज में विजिट किया हूँ, सो मुझे इस कॉलेज के बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल पता है। मैंने इसके कॉलेज के बारे में काफ़ी रिसर्च किया था, क्योंकि जब हम लोग लिस्ट निकालते हैं फॉर द टॉप रैंकिंग कॉलेजेस इन पुणे एंड अदर सिटीज़, सो हम लोग पर्सनली कभी कई बार हम लोग को पर्सनली भी विजिट करना होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वन ऑफ द अंडररेटेड कॉलेज है, इसके बारे में ज्यादा शोकेस नहीं हुआ है। दे डोंट बॉदर अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, इवन दे जस्ट फोकस ऑन देयर स्टूडेंट्स, देयर नॉलेज एंड देयर कैपेबिलिटीज टू सक्सीड इन देयर लाइफ। सो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। सबसे पहले तो MBA के प्रोग्राम्स कौन कौन से अवेलेबल है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इस कॉलेज में प्रोग्राम्स, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये कॉलेज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। ये MBA प्रोवाइड करता है, PGDM भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये PhD भी प्रोवाइड करता है। तो आज हम लोग पर्टिकुलरली देखेंगे कि MBA किस तरीके के, MBA के अंदर में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है, उसका फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कॉलेज में स्पेशलाइजेशन के नाम पे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स। सो दिस आर द फाइव स्पेशलाइजेशन वेयर दिस कॉलेज इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग टू थ्रू देयर स्टूडेंट्स। एंड मेजरली यू कैन सी हियर देयर आर द चांसेस आर लाइक ड्यूअल स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस कॉलेज। एंड फॉर द माइनर पोजिशन यू विल गेट रूरल एंड एग्रीकल्चर बिजनेस, फार्मा एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। सो दिस आर द ऑप्शन फॉर द माइनर वन, एंड फॉर मेजर वन दिस आर ऑल द ऑप्शन। सो यू कैन ऑप्ट एनी वन फॉर फ्रॉम दिस लिस्ट। बात करते हैं हम लोग इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये नवेली वाड़िया का फीस स्ट्रक्चर है, जो कि काफ़ी ही रिजनेबल है। और अगर हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी एडमिशन, अगर हमारे पास में एवरेज स्कोर है, हम लोग उतना टॉप स्कोर नहीं कर पाए MHCET में, महाराष्ट्र सिटी में, तो हम लोग को इस कॉलेज में प्रीफर सबसे पहले करना चाहिए। अगर पुणे की लिस्ट में आप पुणे में आना चाहते हो, पुणे में अपना MBA का कोर्स करना चाहते हो, तो पुणे में कॉलेजेस की लिस्ट में ये सेकेंड रैंकिंग पे आता है, आफ्टर पुंबा एंड इंदिरा। यहाँ पे फीस होता है 1,70,000। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, दैट इज अगेन आपको पे करना होगा 1,70,000 फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का तो यहाँ पे डिटेल दिया नहीं है, तो आपको 1,70,000 के नियर बाई ही आपको पे करना होगा। तो दैट मीन्स जो आपका ग्रैंड टोटल हुआ मीन्स 40,000 सॉरी। एंड फॉर OBC इट इज 94,000, VJ VIT आर 18,000 एंड SC फॉर द 18,000। सो फीस आर वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और एज कम्पेयर टू द वैल्यू और द
प्लेसमेंट पैकेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कॉलेज। बात करते हैं हम लोग इसके एडमिशन प्रोसीजर की। इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सावित्रीबाई फुले के कोई भी कॉलेजेस के अंदर में एफिलिएटेड जो कॉलेजेस है उनके अंडर में जैसे जो टोटल इनटेक होता है इनटेक का 20% सीट्स वो मैनेजमेंट कोटा से जाता है। इस कॉलेज में एडमिशन लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों। आई एम टेलिंग अबाउट दोज कैंडिडेट्स हु आर हैविंग अ स्कोर बट नॉट एज पर द मार्क, लाइक नॉट अबव 90% percentile, नॉट अबव 85% percentile। सो इस कॉलेज में एडमिशन लेना उतना भी आसान नहीं है। सो इस कॉलेज का जो DTE कोड होता है वो है 6100 6110। DTE कोड मीन्स ये होता है जो आप कैप राउंड फिल करते हो तो कैप राउंड फिल करने के टाइम पे आपको एक कोड डालना पड़ता है कॉलेज का, और कॉलेज के कोड के हिसाब से वो कॉलेज आपको हाईलाइट कर दिया जाता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल कॉलेजेस के सेम नेम रहते हैं, उस कारण से ये कोड हर कॉलेज को दिया जाता है। सो इस कॉलेज का कोड है 6110। इसका एडमिशन प्रोसीजर दो तरीके से होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो होता है मैनेजमेंट प्रोसीजर और दूसरा होता है आपका DTE के कैप राउंड के प्रोसेस से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये काफी ब्यूटीफुल इन लोगों का वेबसाइट है जिसके अंदर सब कुछ वेरी वेल मेंटेन यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए एडमिशन प्रोसेस फॉर द मैनेजमेंट वन एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर द DTE कैप राउंड प्रोसेस। सो DTE का कैप राउंड तो आप जानते हो कि हर साल कैप राउंड होते हैं महाराष्ट्र CET MAS CET के रिजल्ट लगने के बाद में हर स्टूडेंट को उनका रैंकिंग मिलता है और रैंकिंग के बेसिस पे फिर उन्हें कॉलेज को ऑप्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है। सो वो कैप के उस प्रोसीजर को हम लोग कैप राउंड के प्रोसीजर कहते हैं। तो वो कैप राउंड के प्रोसीजर के थ्रू जो एडमिशन्स होते हैं उनका यहाँ पे काउंट है। जैसे ओवरऑल इनटेक है इस कॉलेज का 120, आउट ऑफ 120 20% दैट इज 24 सीट्स आर अवेलेबल फॉर द मैनेजमेंट कोटा एंड द रेस्ट ऑफ द सीट्स आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड वाया कैप राउंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट स्टैट्स। प्लेसमेंट्स इस कॉलेज का देखा जाए तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। हम लोग लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स भी देख लेते हैं। सो दिस आर द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स लाइक मार्केट एंड मार्केट्स, ग्लेनमार्क, वाइट हेड, कोटक, सीमेंटेक, बजाज, गोदरेज, हिंदुस्तान, HUL, हुल, वर्लपूल, विप्रो, दोज ऑल आर द ब्रांड नेम्स हु यूजुअली विजिट दिस कॉलेज फॉर द रिक्रूटमेंट। जी हाँ, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्लेसमेंट्स के कुछ इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स है इस कॉलेज के जो कि काफ़ी अच्छे कह सकते हैं, और यहाँ पे जो स्टैट्स दिए हुए वो एक्चुअल में है इस कॉलेज के। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज अपने वेबसाइट पे कुछ और डालता है और उनके स्टैट्स कुछ और होते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो इन्होंने हाईएस्ट पैकेज क्लेम किया है 9 लाख per annum, एवरेज पैकेज किया है 5.5 लाख per annum एंड द लोएस्ट वन इज फॉर 3 लाख per annum। ये है 2019 से 2021 का बैच, जो लास्ट ईयर का बैच है उसके अंदर का, और नंबर ऑफ रिक्रूटिंग कंपनीज 90+, और इनके ओवरऑल स्टूडेंट्स है 120। सो सोचिए दोस्तों कि कॉलेज कितना एफर्ट्स लेता है, कितने नंबर ऑफ कंपनीज को बुलाता है कि बच्चे 100% प्लेसमेंट यहाँ से लेकर ही जाए। सो कंपनीज काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं यहाँ पे नाम दिए हुए, जैसे कि एक्सेंचर है, इन्फोसिस है, वेदांतु है, एशियन पेंट्स है, देन यहाँ पे डेलॉइट भी आती है, यहाँ पे IBM आती है, साइबेज आती है, काफ़ी सारे IT कंपनीज के बारे में दिया हुआ है, जैसे मार्केट एंड मार्केट्स भी आती है जो कि है हमारी मार्केटिंग के रिलेटेड कंपनीज, देन बायजूस भी सेल्स का प्रोफाइल लेके आती है। यहाँ पे अगर फाइनेंस के बच्चे प्लेस्ड होते हैं तो उनको मिलता है रोल सच एज एनालिस्ट, देन रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस तरीके के रोल्स मिलते हैं। अगर मार्केटिंग के बच्चे प्लेस होते हैं तो यहाँ पे रोल दिए जाते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, इस तरीके से रोल दिया जाता है। और जो IT कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं उन स्टूडेंट्स को रोल मिलता है एनालिस्ट, और देन वहाँ पे उनको काफ़ी सारे अलग अलग डोमेन्स होते हैं IT में भी, उसके अंदर में उन लोगों को डाल दिया जाता है। सो जो प्लेसमेंट्स के स्टेट्स है वो तो काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द कॉलेजेस विच आर अवेलेबल इन पुणे, बिकॉज एज आई हैव सेड दिस कॉलेज स्टूड्स ऑन द थर्ड पोजिशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस विच कम्स अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों ये है ओवरऑल हमारा जो एक्चुअल फैक्ट्स है इस कॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं ये कॉलेज वर्थ ज्वाइनिंग की, तो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारा स्कोर क्या है, क्या हमारे पास में समय है और एक साल देने के लिए, क्या हम लोग रिपीट करके इससे अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर नहीं, हम लोग के पास में समय नहीं है, हम लोग का ये डू और डाई सिचुएशन है, और अगर हमारे पास हमारा स्कोर उतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग टॉप रेटेड कॉलेजेस से मुंबई में अवेलेबल है, जैसे पुणे में भी अवेलेबल है, पुंबा है, इंदिरा लीग है, अगर हम लोग उसमें नहीं ले सकते और हमारा स्कोर उतना नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों नवीलेवाड़िया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच यू हैव राइट नाउ टू टेक एडमिशन इन।
अगर आपको इस कॉलेज के बारे में इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ 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 आप कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में मेरे यहाँ पे इस कॉलेज में कॉन्टैक्ट्स भी है, सो आपको ट्रुथ उसके जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलेज में एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिएगा चैनल से, चैनल का नाम है EDU अपडेट, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।